हाय गाइज, वेलकम बैक। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे। आप लोग के आशीर्वाद और दुआ कृपा की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सुबह के 7:15 हो रहे थे और आज है 29 नवंबर और मैं रूम की सफाई कर रही हूँ अपनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मिरर और सारे चीज़ें फिक्स कर रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है। मैं नेक्स्ट डे निकलने वाली हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज का पूरा दिन क्या क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे कल जाना है अपने ठिकाने पे जहाँ मैं रहती हूँ और वहाँ जाने के लिए टिकट भी हो चुका है। अकेले जाना है मुझे, अपनी बेटी के साथ ट्रैवल करना है। तो सब कुछ क्लियर है कि मतलब मुझे सामान वामान सब ठीक करके जाना है और क्या क्या चीज़ें लेनी है वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। घर से सोच रही थी कुछ कुछ खाने पीने का आइटम ले लूँ, चावल आटा दाल वगैरह जो भी, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि अकेले मैं जा रही हूँ और अकेले ट्रैवल। तो अभी अभी ना एक डिलीवरी बॉय आया हुआ है और ये डिलीवरी में क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। जिस फ्रेंड की शादी में मुझे आना था गिफ्ट लेके, वो गिफ्ट अब आया है। 29 को आया है और 28 को उसकी शादी थी और पता नहीं अब मैं उसको गिफ्ट कैसे भेजूँगी। तो चल पहले गिफ्ट ले लेते हैं जो मैंने ऑर्डर किया था। हाँ ऑनलाइन करेंगे। देखिए ये पार्सल कल ही आ गया था ना। तो गाइस मैं ना अपना पार्सल लेकर आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप थी तो मैं अपनी जिठानी जी को अपना पार्सल दे चुकी हूँ। वो खोल रही हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से पैकेजिंग है और इसके अंदर क्या निकलता है वो आप देखना, क्योंकि मैंने बहुत पसंद से मतलब बहुत टाइम देख के मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं क्या दूँ अपने फ्रेंड को जो उसे मेमोरेबल रहे और उसे यादगार रहे। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकलती है। सुप्रिया से तो ये गिफ्ट था जो मैंने अपने फ्रेंड के लिए सेलेक्ट किया था और आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा और आप लोगों को भी आइडिया मिल गया होगा कि अपने फ्रेंड को हम क्या दे सकते हैं। तो ये गिफ्ट तो मुझे पता नहीं कि मैं उसे कब दूंगी और कैसे दूंगी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल भी जा चुकी है। तो यहाँ ये दोनों बच्चे आ गए हैं नहाने के बाद मिट्टी में खेलने के लिए और मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था तो मैं इन दोनों को डांट भी रही थी। और डुगू जो है वो अपनी मन की करती है, वो कभी सुनती नहीं है। और जो कुहू है वो एक बार में सारी बातें मान लेती है और जो जैसे बोलते हैं वैसे करती है। तो यही है, दोनों की मस्तियाँ यहाँ पर चल रही हैं। और अभी मैं चलती हूँ अपने रूम में थोड़े बहुत काम करने। वैसे बता दूँ आज जो आप व्लॉग देख रहे हो ना वो एक महीने पहले की व्लॉग है और मैं इसे अब अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि ड्यू टू बहुत लैक ऑफ टाइम मैं काम नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में लग जा रही थी। तो सोचा कि आज फ्री हुई हूँ तो मैं अपना ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और यहाँ पे जितनी भी साड़ियाँ हैं उसे मैं अलमीरा में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना जनवरी में आना होगा एक शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर। तो जो छोटे मोटे कपड़े होंगे वो सारे मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो अभी ना मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी कि मैं कितना मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे रख रही हूँ। सारी बैंगल्स वगैरह मैं अंदर डाल रही हूँ और अभी हमारा प्लान है कहीं मार्केट जाने का जेठानी जी के साथ। तो चलते हैं। गोल्डन चलेगा ना? इसमें भी दो डिजाइन है, उसको भी देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड की जो गिफ्ट है उसे पैक करा रही हूँ और मुझे आइडिया आया कि जब मैं मार्केट में निकल ही चुकी हूँ तो क्यों ना उसके घर जाके इसे दे भी दूँ। तो वैसे तो प्लान था कि इसके भाई को बुलाकर मोड़ पे दे दूँगी जो उसके घर के पास में, लेकिन उसका भाई था नहीं तो मुझे वापस उसके घर ही जाना पड़ेगा। अभी मैं सुप्रिया का गिफ्ट उसके घर के पास छोड़ने जा रही हूँ, उसका भाई पिक करेगा। और ये देख सकते हैं Thank you.
ये ना सुप्रिया के लिए गिफ्ट ऑर्डर किए थे, आज जाके डिलीवर किया तो सोचा कि दे दूं। तो अभी मैं आ गई हूँ समोसा लेने के लिए, और ये मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पे था, और यहाँ से हम ऑर्डर लेकर जाएंगे। और यहाँ समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब मैं छोटी थी और मैं स्कूल आया था तो वहाँ पर समोसे गरीब खाते थे, मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे लगा कि इस बार ले लेते हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर अच्छे खासे समोसे मिल जाते हैं, जो वो होता है ना एक याद जुड़ी होती है। और यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ के जो समोसे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर लाइन भी लगना पड़ता है। तो अगर आप भी मेरी तरह सासाराम से हो तो आप गेस करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी जगह है और कहाँ की समोसे ज्यादा फेमस है। हाय गाइस, रात के 8:30 हो रहे हैं और मैं अभी घर पे आ गई हूँ। तो अभी ना बहुत सारा काम बाकी है, जो छोटे छोटे सामान होते हैं मेकअप के और साल्वी के स्लीपर्स वगैरह, शूज, सब चीज़ लेना है। 2-3 कपड़े बाहर है, वो सारा पैक करना है, और देन उसके बाद कल सुबह की हम लोग की ट्रेन है, 4 बजे निकल जाना है घर से। तो देखते हैं आज क्या हो पाता है, तो जल्दी से काम कर लेते हैं। तो कल दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ले जा रही हूँ और मैं कैसे ट्रेन की जर्नी कर रही हूँ। सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी अगले आने वाले ब्लॉग में। तो प्लीज़ मैं ब्लॉग को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, मैं अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन गाइस, बाय।